फ्रेंड्स नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं कद्दू और उधर दाल का केक। आज देखिए हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है और आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो आप लोग को मिल सके। और अब देखिए, अब हमने कद्दू को छोटा छोटा कट कर लिया है। यह इसका बीज सब निकाल दिया है, छिलका निकाल दिया है और इसका हम पका लेंगे। हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर लगा दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें एक गिलास पानी दे दिया। अभी पानी गर्म हो गया है, अभी इसमें कद्दू को डाल देंगे। अब इसमें ढक्कन डाल के थोड़ा टाइम रख लेंगे, 5 मिनट रख लेंगे। अभी ये पक गया होगा, अब इसको हम निकाल देंगे। देखो ये हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसको एक डिश में निकाल लेंगे। अब इसको हम ले लिया है, अब हम चलेंगे उड़द दाल। अब उड़द दाल 100 ग्राम लिया है, इसको 6 घंटा पहले ही भिगा के रखा था। अब हम इसको छन्नी में छान के मिक्सचर में डाला है, अभी इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है, अभी इसको हम एक कटोरी में डालेंगे। हमने इसको एक कटोरी में डाल दिया है, अभी इसमें कद्दू सीझे हुए कद्दू को डाल देंगे। उसके बाद हम चावल का पाउडर लिया है, ये थोड़ा मोटी साइज का है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसको हम डालेंगे 1.5 बाउल। इसके बाद हम 1.5 बाउल शक्कर डालेंगे। अब जितना मीठा खा सकते उतना ले। इसमें ले लिया 1.5 बाउल शक्कर। उसके बाद हम 1 बाउल छोटा छोटा कटा हुआ नारियल ले लिया और थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कटा हुआ बादाम और टुकड़ा टुकड़ा काजू। हम 1.5 बाउल दूध डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखते इसको हाथ नहीं करेंगे वरना वो कद्दू अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब थोड़ा सा पतला लगे तो इसमें थोड़ा चावल का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पतला लगा इसलिए मैं थोड़ा चावल का पाउडर इस्तेमाल किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस मीडियम ही रखना है, इतना ही। अब ये घोल को हम घोल को 5 मिनट ऐसे ही रख देंगे, ढक्कन डाल के रख देंगे। हमारा 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम इलायची का आधे पीसे हुए पाउडर थोड़ा डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, वनस्पति घी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको बिठाने के लिए एक बड़ा वाला तवेला लिया है। इसमें हम गैस को ऑन कर दिया है, अभी गर्म हो गया है, इसमें पानी डालेंगे। पहले पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया है। अब हम एक स्टैंड लिया है, ये वाला स्टैंड हमने लिया है। आप चाहे तो एक कटोरा नीचे रख सकते हैं।
देखिए अभी इसको हमने रख दिया, अब हम उसको बिठाएंगे। अब हम थोड़ी देर पानी गर्म होने के लिए इंतज़ार करते हैं। अब इसको ढककर डाल देते हैं। मैंने ये वाला डिश लिया है, इसमें हम पहले घी लगा लेंगे। अभी इसको अच्छे से हम लगा लेंगे। अब हमने ये साइड फाइड वगैरह सब लगा लिया है। अब इसमें हम अब घोल को डालेंगे। अब इसको हमने डाल दिया है, इसमें हम एक एक काजू ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें काजू ऐड कर लिया है। वीडियो को देखने से पहले पानी में तो उबाल आने लगा है, अब इसमें हम डिश को रख लेंगे। अभी डिश को हमने अच्छे से रख दिया, अब इसको ढक्कन डाल देंगे। अब इस ये आधा घंटा या एक घंटा का बैठेगा, इसके बाद हम इसको निकालेंगे। हमारा एक घंटा हो गया है, अभी इसको हम निकाल के देखेंगे कि हुआ कि नहीं। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया है केक, अब इसको इसमें से निकालेंगे। अब हम इसको निकाल दिए, अभी थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे। अभी ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम अच्छे से ये हो गया है, अब इसको हम एक प्लेट में लेंगे। देखो ये बढ़िया से निकल गया है, ये हमारा बन के तैयार हो गया है केक। अब इसको हम कट करेंगे। देखिए इसको कट करने के बाद कैसे इसका कट कर लेंगे। देखिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये कद्दू से बना हुआ है। अब खाएंगे, बहुत ही बढ़िया है।